हेलो नमस्ते दोस्तों। देश में नई संसद का उद्घाटन ने दूसरी खबरों को छुपा दिया। हमारे जो रेसलर्स हैं, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, ये लोग कई दिनों से और कई समय से धरने पर बैठे हुए हैं। तो आखिर जनता ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये तो हमारे स्टार परफॉर्मर हैं, स्टार रेसलर हैं, तो आखिर इनके साथ भी हो सकता है ये? मतलब आप पिछले दिन देखिए, 28 तारीख को इनके साथ कितनी बर्बरता से इनको खींचा गया, मतलब मारा गया। ऐसा लग रहा है कि किसके साथ बदतमीजी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिसके खिलाफ आरोप है, बृजभूषण शरण सिंह, जो कि एमपी हैं गोंडा से, उनके खिलाफ पॉक्सो मामला हो रखा है। पॉक्सो केस मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, ये रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के, मतलब जो संघ है कुश्ती का, उसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने लगभग 7 बच्चियों के साथ, 7 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, मोलेस्ट किया, या पॉक्सो का आरोप है। इसका मतलब उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, जिनमें से एक माइनर है, मतलब वो 18 साल से नीचे है। अभी शुरुआती दौर में जब जनवरी में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उस वक्त विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और भी जो कुश्ती पहलवान थे, जो पहलवान लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट आरंभ किया और इनके ऊपर, मतलब बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि ये महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुश्ती फेडरेशन की ही समस्या है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप आप मी टू के समय से देख सकते हैं। उस दौरान नाना पाटेकर के ऊपर भी आरोप लगाए गए। देखो, आज हो सकता है कि 100 महिलाएं अगर आरोप लगा रही हैं तो 60 गलत, 40 सही भी तो हैं, हो सकती हैं कि सही हो, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जनवरी में तो ये धरना थोड़ा रुक गया था, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक कमेटी बैठाई जाएगी, जो कमेटी लगभग 4 हफ्ते में एक रिपोर्ट देगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर एक जो भी फेडरेशन होना चाहिए, या भी जो भी एक कमिटी हो, या जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे एक इंटरनल कमिटी होनी चाहिए, जो कि महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरासमेंट या मोलेस्टेशन के ऊपर केस लेगी और देखेगी। पहली बात यह है कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास कोई इंटरनल कमिटी थी नहीं, तो ये जो बच्चे हैं, जो 7 लड़कियां हैं जिन्होंने आरोप लगाया है बृजभूषण सिंह के ऊपर, ये अपना कहीं भी प्रोटेस्ट या कोई कंप्लेन नहीं दे पाई, क्योंकि इंटरनल कमिटी नहीं है। तो ऑब्वियसली इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विनेश फोगाट, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, ये लोग इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जनवरी में जब ये धरना आरंभ हुआ था, तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बिठाई जाएगी और लगभग वो कमेटी 4 हफ्ते के अंदर एक रिपोर्ट देगी। तो ये कमेटी ने जो भी रिपोर्ट दिया, या फिर जो भी ट्रायल जो उसके सामने चले, जो प्रोसीडिंग्स चले, अगर मान लें मैं ही उन अपने जुर्म का अगर मैं न्यायाधीश बन जाऊँ, तो कैसा न्याय करूँगा? तो यहाँ पर जो कमेटी बनी, वो ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड बाई पॉलिटिशियंस, जो अनुराग ठाकुर हैं और जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, ये दोनों भैया एक ही पार्टी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो कमिटी की रिपोर्ट थी वो पार्शियल थी, वो इम्पार्शियल नहीं थी, मतलब वो पक्षपात से भरा हुआ है। उसके बाद भी कई लड़कियों ने ये कहा कि हमें बुलाया ही नहीं गया था हमारी गवाही लेने के लिए। तो इसके बीच, मतलब ये जो FIR बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लॉज हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और कहा भैया पुलिस को कि कम से कम FIR लॉज करो। तो जो माइनर बच्ची थी, जो उसमें से जो 18 साल से नीचे थी, जो रेसलर, उसके कहने पे पॉक्सो के अंदर एक मामला इनिशिएट किया गया, FIR। तो जनरल प्रैक्टिस क्या होगी? अगर किसी के ऊपर पॉक्सो की धाराएं लगाई गई हैं, तो उसे अरेस्ट करना होता है। अरेस्ट करने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना होता है, लेकिन यहाँ अरेस्ट तो बहुत दूर की बात है। ये बृजभूषण शरण सिंह खुद ओपन माइक पे कह रहे हैं कि हमारा नार्को टेस्ट कर लो, हमारा ये कर लो, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। इनफैक्ट
इस केस के बावजूद भी आजाद घूम रहे हैं, क्योंकि एक एमपी हैं, 6-time MP हैं गोंडा से, और किसी भी जगह से खड़े होते हैं तो जीतते हैं। इनको हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है उस जिले में, गोंडा जिले में, और जिस मतलब अगर किसी भी पार्टी से खड़े हो जाएं तो यही जीतेंगे। और 2011 से रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये प्रेसिडेंट हैं, तो अनडिस्प्यूटेड कि ये बहुत बाहुबली हैं। तो इनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, मतलब ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ना ही प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री कमाल है, मतलब अगर यही रेसलर्स अगर मेडल जीत के आए तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं माला डालने। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुरंत जानता हूँ, तुम्हें दिनों नहीं देख सकता। फोटो खिंचाने, फोटो अपलोड करने, और पता नहीं कैमरामैन भी बहुत बढ़िया जानदार शानदार रहता है और एकदम गजब गजब की फ़ोटो लेता है, और वो फ़ोटो अपलोड होते हैं, वाहवाही होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का थोड़ा नारा भी हो जाता है और जनता खुश हो जाती है और जनता भूल जाती है और ये भी मानती है कि हमारे प्रधानमंत्री कितने अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही वही रेसलर्स प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो मोदी जी भूल जाते हैं। मोदी जी एक ट्वीट भी नहीं करते हैं, मोदी जी ना उस समर्थन ना उस प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से बात करते हैं, ना ही उन्हें बुलाते हैं, बस इंतज़ार करते हैं अगली बार वो फिर मेडल जीत के लाएं तो हम फिर एक कन्वोकेशन करेंगे और उनके साथ बैठेंगे। अपने आप में एक विडंबना है इस पार्टी की, इस बीजेपी पार्टी की विडंबना है, कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहीं से भी लगता नहीं है कि इनके एक्शंस में बेटी बचाओ वाला दिखेगा। क्योंकि पहली बात तो प्रधानमंत्री खुद शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि हमें याद हो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव चल रहा था तो दीदी तो गाली दे ही रही थी, मोदी जी भी कम नहीं दे रहे थे, मतलब दीदी हो दीदी, और ऊपर से सोनिया गांधी को जो अपमान करती है बीजेपी, एंटोनियो माइनो और न जाने क्या क्या। तो जिस पार्टी के लहजे में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है उससे तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती है सम्मान की। तो उसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसी दिन जंतर मंतर पे जो ये हमारे रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके साथ बहुत ज़बरदस्ती किया गया, इनको खींचा गया, ताना गया, इनको गाड़ियों में बस ज़बरदस्ती खींच के ले गए, इनके ऊपर केस अलग अलग केस इनिशिएट किए गए, ऐसा लग रहा था कि मतलब किसी चोर को किसी गुनहगार को लिया जाया जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये स्टार परफॉर्मर है हमारे रेसलर्स हैं जिनको एक समय मोदी जी मतलब बस चलता तो कंधे पे बिठा के घूमते, लेकिन अभी सामने नहीं आ रहे। तो जब ये रेसलर्स अपनी व्यथा प्रकट करना चाहते हैं तो जब इन्हें अरेस्ट किया गया तो इन्होंने फोटो एक अपलोड किया जिसमें दिखाया कि ये कितना मायूस हैं, दुखी हैं। लेकिन बीजेपी वाले जो हैं, जो IT सेल वाले हैं, उनसे ये भी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि जनता जो है वो सही मैसेज समझे, ये नहीं चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको जनता प्रोटेस्ट की नज़र से देखे। बीजेपी वाले ये चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको जनता फंडेड समझे कि इसे फंड किया जा रहा है, इन्हें उकसाया जा रहा है, इसीलिए क्या किया, उस फोटो को मॉर्फ किया गया, इनके सैड फेसेस को स्माइलिंग फेस दिखाया गया ताकि जनता समझे कि हाँ भैया ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, मतलब ये अशांति के कारण है। लेकिन अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह को ना ही अरेस्ट किया गया है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड किया जा रहा है, और वो इंसान खुलेआम न्यू पार्लियामेंट के जो उद्घाटन समारोह था उसमें जाता है, फोटो खिंचाता है और आराम से घूमता है। लेकिन यही अगर एक आम आदमी के खिलाफ पॉक्सो के मामले इनिशिएट हों
498A मतलब घरेलू हिंसा का मामला इनिशिएट होता है तो पुलिस दौड़ के घर पहुंच जाती है और अरेस्ट कर लेती है, और यहाँ पॉक्सो का मामला है तो पुलिस में थोड़ी भी गर्मी नहीं आ रही है, इंतजार कर रही है पुलिस कि भैया इनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, हम कैसे डाल दें। और ब्रिजभूषण सिंह ने एक बार लल्लन टॉप के इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मेरे हाथों एक हत्या हुई है, तो भैया ये बाहुबली हैं, इनके इनका जो बैकग्राउंड है ये अपने आप में थोड़ा कमाल है, उसके बारे में भी थोड़ा बताता हूँ। ये जब बाबरी मस्जिद गिरी थी और राम मंदिर वाला जब मुद्दा चल रहा था हमारे एल के आडवाणी जी के अगुवाई में, उस वक्त ये प्रोमिनेंट नेता थे और उस रीज़न के ये प्रोमिनेंट नेता है, मतलब इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई बोल नहीं सकता, इनके ऊपर कई सारे मर्डर, कई सारे अलग अलग क्राइम्स के आरोप हैं, लेकिन कोई हिल नहीं सकता। मैं अपनी भाषा ब्रिजभूषण सिंह के लिए खराब कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं थोड़ा बहुत भी, मैं नहीं चाहता कि उनके सामने गलत मैं मैसेज दूं, इसलिए भाषा का लहजा को आप खराब ना समझें, लेकिन बातें ये हैं कि इस तरह के गुंडे को हम पालते हैं, पोसते हैं, और ये जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं ये ज़रूर पालती और पोसती हैं। ये एक रिफॉर्म्ड रूप है आतिक अहमद का, कह सकते हैं आतिक अहमद भी पॉलिटिशियन था, आज जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं कल इनको नहीं करेंगे, लेकिन आज मोदी जी या फिर बहुत सारे जो नेता हैं सब चुप हैं, क्यों? क्योंकि 2024 में इलेक्शन है सर, और ये उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा हिस्सा है एमपी को कंट्रीब्यूट करने का बीजेपी के हाथ में, तो अगर अभी अगर छेड़छाड़ करने लगे तो ये तो भाग जाएगा, और अपोजिशन पार्टी इसको बैकिंग करने लगेगी ब्रिजभूषण शरण सिंह को, और मामला बिगड़ सकता है, इसीलिए अभी बीजेपी वाले चुप हैं। लेकिन हमारे जो रेसलर्स हैं ये बहुत दुखी हैं, टूट रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो जब ये जीत के आते हैं तो हम खूब प्रमोट करते हैं, खूब वाहवाही करते हैं, खूब प्यार देते हैं, लेकिन जब आज ये ज़रूरत में है कि हम इनके साथ खड़े रहें तो हम पीछे भाग जाते हैं। हम अपने नेताओं का साथ देते हैं, इनका नहीं, हम इनके ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं, हम किसान आंदोलन पे भी विश्वास नहीं कर रहे थे, और इस बात से दुखी होकर जो हमारे रेसलर्स हैं वो आज शाम उन्होंने डिसाइड किया है कि आज तक वो जो भी मेडल जीते हैं उसे बहा देंगे। हरिद्वार में एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट तो कई सारे जो भक्त हैं या मतलब चाटुकार हैं, आप बेसिकली चाटुकार ही इन्हें समझे, भक्त भी नहीं है, तो जो ये चाटुकार हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया जो तुम्हें पैसे मिले थे, जो करोड़ों रुपए मिले थे, जो घर मिला था, जो जमीन मिली थी, नौकरी मिली थी, वो सब भी बहा दो। तो भैया ये सब फ्री में थोड़ी मिला था, कमाया था उन लोगों ने, और आप ये बात समझें, जो मोदी जी जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारा देते हैं वो मोदी जी गायब हैं, तब तक गायब हैं जब तक लाइम लाइट लेने का मौका ना आ जाए। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। विनेश, मैं पूरे परिवार को तुरे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ। तक गायब रहेंगे। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप यहां पे देखें कि आपके एक्शंस बोल रहे हैं, आपके एक्शंस आपकी आवाज के साथ मैच नहीं कर रहे, आप जो कहते हैं उसके साथ मैच नहीं कर रहे। आज भी आओ ना उनके सब उनके उस मुहिम को, उनके उन प्रोटेस्ट को पूछो, भैया क्या हुआ है, लेकिन आपके पास फुर्सत नहीं है। चिंता की बात नहीं है, जनता साफ देखती है, अच्छे अच्छे शासक गद्दी से उतर गए हैं, इतिहास पलट के देख ले, अच्छे अच्छे शासक
जिन्हें लगता था कि उनकी गद्दी तो हिल ही नहीं सकती, वो भी रास्ते पे चले। धन्यवाद, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और जब आए तो सब्सक्राइब जरूर करें सर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थोड़ी बहुत हमें भी ज़रूरत होती है कि हमें कोई पहचाने। थैंक यू।